रामगढ़ताल स्थित चंपा देवी पार्क में 12 और 13 जनवरी को होने वाले दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर के साथ जिले के आला अधिकारियों ने निरीक्षण का जायजा लिया। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने गोरखपुर महोत्सव के दौरान आने वाले शहरवासियों की पार्किंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही वही समापन अवसर पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भी वहाँ की व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने की बात कही गई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, डीआईजी राजेश डी मोदक, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एसपी सिटी सोनम कुमार, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एडीएम सिटी राकेश श्रीवास्तव और एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, व्हाइट और सजेस्ट करें मैरून कलर। क्यों मैरून कलर? क्यों सर सिंथेटिक है उसका भी है क्या? हमें तो भाई आपके पार्क के अंदर है? नहीं सर, इधर पार्क के बाहर है सर, तो वो वाला प्लॉट सर वही है सर। लेकिन सर अब हमारा ही है सर कपड़े में, कह रहे हैं ये भीड़ लग जाने से सर लुक अच्छा है सर। आप बाइक के सारे रैम के जरिए बनवाना है, आप कैसे कर रहे हो? कह रहे हैं कि सर हमारा सीधे तो भीड़ भाड़ में तो चल नहीं पाएगा, रैम भी जरूरी है सर। ये अप्रोच ये तो मेन रोड है सर, हमें यहाँ पर हमें रास्ता भी यहाँ पे सर दो गए, उसके बाद आप जो ये आने वाले हैं फिर पब्लिक के लिए है सर। इसमें सर पब्लिक के लिए ये तीन जगह हम रैंप दे रहे हैं सर, पब्लिक तो पैदल पड़ेगा, केवल ग्रिल हटेगा। डिजाइन है ऐसे उतर के ऐसे उतर जाएंगे, तो डिजाइन क्या मतलब ऐसे 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 मिट्टी डाल के ऊपर मिट्टी डाल के ऐसे करेंगे तो हमें एक रिटेनिंग वाल बने। रिटेनिंग वाल क्या तो कच्चे जाने की क्या जरूरत है, दोनों तरफ दीवार रहेगी सर कच्ची मिट्टी की वजह से। हाँ तो यदि ग्रिल बोल के आप तीन मिट्टी बढ़ा के स्लोप दे, अच्छा बस और फिर जब प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा ग्रिल लगवा दीजिए, इसमें तो कोई खर्चा आना नहीं है ज़्यादा सर। बस मिट्टी मिले वो तीन जगह कहाँ होंगी वो आप तीन जगह कोई भी सामने तीन जगह रख जाए बताओ, जैसे वो बोल रहे हैं क्या वहाँ करना है एक सर हमारे यहाँ पर सेंटर में है, एक उस कॉर्नर पर है सर, अभी हम दो ही दे रहे थे, किसी की नीड नहीं पड़ रही दो से हमारे काम दो थोड़ा तो ठीक है दो भी अगर क्या साइज के बड़ा दे दे फिट के तो चढ़ा दे रहे हो कम से कम 12 फीट का होगा, 12 से 15 10 फीट 10 से 12 फीट लेकिन मेरा एक कहना ये है कि आपको एक भी परमानेंटली ये गेट दे देना यहाँ तक, ये ऐसा है ना ग्रिल बनाया ज़्यादा यार नुकसान नहीं होगा, आप बस केवल गेट के रूप से दे देंगे ना, फिर इधर का फिर वो हो जाएगा रैम टाइप एडियम एडियम सब सफर कर लें, बट आप लोग डिसाइड कर लो ताकि दिग्विजय नाथ का अच्छा है फ्लो, ताकि दोनों तरफ बढ़िया है, वो सामने पब्लिक आना है आना जाना है उसके सामने। अभी सर अभी फिलहाल रैम लेकिन अनुज कर दीजिए ठीक है सर, प्रोजेक्ट कोई बुरा नहीं है और मैं तो कहता हूँ 10 फीट नहीं 15 फीट का होना चाहिए, बड़ा मजा किसी भी कर देंगे सेफर साइड के लिए कि जिससे कोई इधर जाए ही ना, सिंगल बैरिकेड में ज़्यादा बड़ी नहीं लेती जी, हाँ, जी इधर कर देंगे जी। अब हमारा ये है सर, ये एक पीछे हमारा एरिया है, ये हम लोगों ने एक पार्किंग प्लान किया है, आपको लाना है वो सर यहाँ पीछे वो पीछे सर पीछे वहाँ से वहाँ तक पूरा इन टू इन सर जिस डायरेक्शन में खड़े हैं सर एग्जैक्टली वैसा ही है। ये हमारे चार गेट हैं सर, हमने गेटों का नंबर 1, 2, 3 और 4 दिया है, तो ये चार गेट हमारा पार्किंग में एंट्री हो रही है, ये हमारा बफर जोन होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा सर, जो VIP एंट्री है। अब आपका गेट नंबर 1 और 2 यहाँ? नहीं नहीं सर, गेट नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ, इसको कुछ हम दूसरा नाम दे देंगे सर। इसको मतलब मैं चाहता हूँ कि कप्तान साहब सही कह रहे हैं, इसमें जनता सर है जी हम देंगे सर, यहाँ पर करवाना पड़ेगा ये सर, अभी प्लान कर देंगे सर, कम से कम 12 फीट की चौड़ाई हो जाए, 12 फीट के दो हो जाए तो काम चला जी सर। तो इसको अभी कटवा देते हैं वहाँ पे, हाँ बस मिट्टी डलवा के स्लोप करा दीजिए, इसमें गाड़ी नहीं आनी है, लोग गाड़ी नहीं केवल लोग VVIP गेट है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसी गेट से प्रवेश करेंगे सर, उनकी गाड़ियाँ उनकी गाड़ियों के लिए
ये है हमारा सर बेसिकली गेट नंबर, इससे कराइए ये गेट नंबर तीन, यही जी ये गेट नंबर तीन है, उससे वो वहाँ एंट्री होंगे, सीधे स्टेज के पास आएंगे। यहाँ जैसे लास्ट ईयर केवल उनकी गाड़ियाँ सर, और मतलब आप चार महानुभाव, यहाँ से हम दो एंट्री, जो गाड़ी से उतरेगा वो यहीं से अंदर चला जाएगा सर। ये हमारा मेन स्टेज हो गया। लास्ट ईयर जो स्टेज था वो करीब 100 मीटर लंबा था, 150 मीटर लंबा था। 5000 कुर्सियाँ आ जा रही थी, इसकी मात्र 600 कुर्सियाँ आएंगी, 600-650 जो खड़े होकर के भी देखना चाहेगा यहाँ पे आराम से समाहित हो जाएगा। और कुछ यहाँ 1000 कुर्सियाँ सर अतिरिक्त रख रहे हैं सर, ये वाली लाल वाली कुर्सियाँ उस दिन, ये रूम तो हम किसी को देंगे नहीं, यूज करने देंगे नहीं उस समय तक, तो ये सर 9 महीने हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। 10 मिनट भी नहीं, पूरे टाइम 10 मिनट से उधर से उस दिन सर कितना भीड़ हुआ था वहाँ पे, तो इतनी भीड़ शायद होगी नहीं, ये रूम जगह काफ़ी पर्याप्त है, लेकिन ये सीएम साहब वाले दिन हम लोग इसको पूरे प्लान रखेंगे। प्रोग्राम जो भी 1-1.5 घंटे का होगा उस समय हम पहले आप जो बंद कर सकते हैं सर, हमारी टोटली एंट्री जो है वो सर जैसा कह रहे हैं यहीं से एंट्री है, पब्लिक के लिए चाहिए हमें पूरी, सिर्फ अधिकारी और सीएम साहब का हो सकता है बस सिर्फ ये वाला, लेकिन नॉर्मल दिन में आप यूज करना चाहिए, नॉर्मल दिन हमारी इस एरिया में हो रही है सर, ये सामने नीर बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ आदमी पार्क करेगा तो हम उस पर्टिकुलर उस टाइम के लिए 1.5 घंटे के लिए इस रास्ते को बंद कर सकते हैं, लेकिन बाकी आप जी बाकी ये करेगी सर, तो बाकी के समय ये हमारा नहीं नहीं ला रहे, वो केवल वो गाड़ियों की मैं प्लान कर रहा था कि अगर कोई फूड कोर्ट से कुछ चीज़ यहाँ से ले आना, तो इतना स्पेस दे रहे थे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ बैरिकेडिंग हो जाती है बिल्कुल उसके पास, क्योंकि रात में पकड़ हो गई तो फिर इधर हम एक ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमारा मेन पंडाल हो गया सर, ये जैसे लास्ट ईयर था ये हमारे पगोडा बने हुए हैं सर, मतलब ऑफिसर्स के लिए और अन्य लोगों के लिए पगोडा, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे बने थे सर वैसे ही बने रहेंगे। ये हमारा एरिया लास्ट ईयर हमने 2-3 स्पेस उनको दिया था स्पॉन्सरर्स को, कि यहाँ से बैठ करके कार्यक्रम देख सके सर, क्योंकि हम स्पॉन्सरर्स को वो फैसिलिटी दे रहे हैं सर कि वो यहाँ अपना चाहे तो यहाँ सिटिंग कर लें और यहाँ के कार्यक्रम देखते रहें सर। अब की बार हम अंदर में उन जितना सामान हो जैसा ये सर स्पेस बड़ा कर दें और कुछ दिखाने लायक ना हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजिट का रूट है सर, जैसे लास्ट ईयर तक ऐसे यहाँ से निकलेंगे पहले इन चीज़ों को देखते हुए, फिर ये ऐसे ऐसे करके यहाँ से वापस है, ये हमारा कृषि है उद्यान है सर, कृषि उद्यान ही यहीं पर है सर, और यहाँ उनका एक स्टेज बना रहेगा। और सरस मेला, सरस मेला इस पास है सर, ये पीछे वाला सर जो देना चाह रहे हैं वो लगभग यहाँ पे देना चाह रहे हैं, तो दूसरा गेट यहाँ पे, मतलब फूड कोर्ट के बगल एक गेट और विज्ञान के बगल एक गेट, ये बीच का जो एरिया है ये हमारे पास स्पेस है उन लोगों के लिए, तो वो आप उस दौरान बंद, लेकिन उनको हमें कोई फिर जगह देनी होगी जो हम पीछे दे देते हैं सर। हाँ पर्टिकुलर तो नहीं, 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 सर उनको उनको सर जगह सर ना दिया जाए सर, हटा देंगे उसको सर, अभी इस पर अब डिटेलिंग हो जाएगी सर, ये आज का डिस्कशन अंतिम डिस्कशन मानते हुए। शशांक एक चीज़, अनुज आपका बुद्धा द्वार बन गया है ना इसमें यहाँ पे है अभी यहाँ भी रहेगा सर, और यहाँ से करीब छोटा सा रास्ता है जो गुप्ता काशी तक जाता है सर, देख लेना जी सर, सभी जगह पैड लेकर जोन जो है में तो पानी की बोतल रहेगी, बोतल तो रहेगा ही सर, टॉयलेट वॉयलेट बच्चे पानी की आवश्यकता रहेगी उसके अलावा क्या टेम्पररी यहाँ, हाँ हाँ बना रहे हैं पिंक टॉयलेट बना रहे हैं, वो पिंक टॉयलेट को एक उस पर हम कोई टंकी या उसमें पानी भरने की व्यवस्था बनवा रहे हैं, दूसरा हमारा टैंकर लगेगा बैनर पर, ये लगेगा बैलून पर, ये लगेगा।
ये महोत्सव स्थल का हम लोग ने नया प्रांगण चुना है और इस परिसर में रामगढ़ ताल परिक्षेत्र को और हम ज़्यादा फोकस पर लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी जो महोत्सव की तैयारी है, द्वि दिवसीय फोकस आपका महोत्सव होगा और एक सांस्कृतिक और पर्यटन की और विज्ञान की, ज्ञान की, विभागीय योजनाओं की एक झांकी समेकित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। प्रयास रहेगा कि स्थानीय कलाकारों को मंच दिया जाए, प्रयास रहेगा कि जो भारतीय परंपरा और संस्कृति है उसको हम पुनः जनता के सामने अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाएँ और उन्हीं तैयारियों के क्रम में आज ये निरीक्षण हो रहा है। आशा करते हैं कि हम एक अच्छा प्रोग्राम दे पाएँ। देखिए, आकर्षण का केंद्र विभिन्न वर्ग के लिए विभिन्न चीज़ें होती हैं। हम एक महोत्सव के थ्रू एक पैकेज देते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे जिसमें स्थानीय कलाकार रहेंगे। इस बार हम लोगों ने भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से नॉर्थ कल्चर जोन सेंटर से भी 3 टीमें मंगवाई हैं जो यहाँ पर सांस्कृतिक झांकी देंगी। उसके अलावा विभिन्न कलाकार हैं जिनका विवरण आपको दिया गया है। हमारा खादी फैशन शो होगा, हमारा कवि सम्मेलन होगा और उसके अलावा विज्ञान की प्रदर्शनी है, कृषि की है, उद्यान की है, विभागीय है, सरस मेला है। पूर्वांचल के महापुरुषों को हम एक साथ प्रदर्शित करेंगे, उनकी एक झांकी करेंगे जिससे कि लोगों को पता चले कि ये महापुरुष इस क्षेत्र से रहे हैं, इस अंचल से रहे हैं। उसके साथ साथ बाबा गोरखनाथ की और स्वामी विवेकानंद जी की भी हमारी जो प्रदर्शनी रहती है वो रहेगी। सो ये सारे प्रोग्राम हैं, इसमें कई लोगों की रुचि कई विभिन्न चीज़ों में है और हमें लगता है कि इससे हम एक अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत नहीं, वो मुझे भी न्यूज़ में पता चला है और हमने इसमें पर्यटन विभाग को बोला है कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लगाना चाहिए जो शासन या प्रशासन की तरफ से निर्देशित ना हो। किसी भी चीज़ को किया जाना है वो नियम के अनुसार होना चाहिए, नियम विरुद्ध होने पर उस पर कार्रवाई की जाए। उस पर एक हमने ऑलरेडी बोला है, उसको नोटिस इशू करके उस पर कार्रवाई की जाए।